कहते हैं कब्ज जो है, कॉन्स्टिपेशन जो है, ये 70 बीमारियों की माँ है। 70 बीमारियां इससे जन्म लेती हैं। आंतों की खुश्की कब्ज की वजह से होती है, और आंतों की खुश्की हो तो अमराज जन्म लेते हैं। कब्ज का मैं बहुत आपको आसान इलाज बताता हूँ। आजकल सर्दियां हैं तो अमरूद खाएं तो आपकी कॉन्स्टिपेशन फौरी तौर पे खत्म हो जाएगी। और गर्मियां हो तो इंजीर खाइए, 4 दाने इंजीर, 10 दाने मगज बादाम देसी, रात को एक एक कप पानी में डाल के रख दीजिए, और सुबह खाली पेट इंजीर चबा कर खा लीजिए, और वो पानी भी पी लीजिए, और मगज बादाम जो है वो भी आप खा लीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तीसरा और सस्ता और आसान इलाज, वो है अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में सेब। सेब आप खाइए तो फौरी तौर पे कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी। वैसे तरबीना भी मुफीद है, जौ की रोटी भी मुफीद है, इसबगोल का छिलका भी मुफीद है, इसी तरह जो है माल्टा भी मुफीद है, आड़ू भी मुफीद है। ये चीज़ें आप इस्तेमाल कीजिए तो कॉन्स्टिपेशन इंशाल्लाह नहीं होगी। इन तीनों में से जैसे मैंने अर्ज किया, अमरूद, इंजीर, बादाम, इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी इस्तेमाल करें और चौथी सेब भी इस्तेमाल कर लें, तब भी एक चीज़ ही काफ़ी है कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए, जिनको पुरानी दैनिक कब्ज़ है, इंशाल्लाह पहले दिन में इंशाल्लाह ठीक होंगे।